जीते मान। और इधर रतनलाल कटारिया, हरियाणा की बात करेंगे हम, कुमारी सैलजा हार गई, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का ये हार चुके, रतनलाल कटारिया फिर से सांसद बने। रमेश कौशिक पहले भी सांसद थे लेकिन फिलहाल बड़ा मुकाबला भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ था और जाट वोट बैंक का एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, लेकिन जीते वो। दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच महा मुकाबला चल रहा है, लेकिन आगे ये चल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, अब रेस में कौन आगे कौन पीछे ये नतीजा आने की उम्मीद। श्रुति चौधरी हार गई हैं, धर्मवीर सिंह जीत गए हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, यह आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। सिरसा जहाँ 60% पंजाबी वोट बैंक है वहाँ पर सुनीता दुग्गल जीत गई हैं, अशोक तंवर हार गए हैं। नायब सैनी वोट बैंक इनको काफ़ी अच्छा मिला, जीत गए हैं। और निर्मल सिंह जो पैराशूट लैंडिंग हुई अंबाला से सीधा कुरुक्षेत्र इनको उतारा गया, ये हार गए हैं। राव इंद्रजीत ये जीते हैं और कैप्टन अजय यादव हार गए हैं, पूर्व बिजली मंत्री रहे हैं ये। हालांकि कृष्णपाल गुज्जर फिर से जीते हैं, अवतार बड़ाना जो कह रहे थे कि इनको हराएंगे, नहीं हराए तो सियासत छोड़ देंगे, तो फिलहाल ये हार गए। दुष्यंत चौटाला पर सबकी नज़र थी, ये हार गए हैं, लेकिन ब्रजेंद्र जीते हैं। और बिश्नोई परिवार पर भी खास नजर थी लेकिन फिलहाल ब्रजेंद्र जीते। और इधर संजय भाटिया जीते हैं करनाल से और हारे हैं कुलदीप शर्मा। इधर चंडीगढ़ सीट हॉट सीट ये भी थी और किरण खेर यहां पर जीत गई हैं, पवन बंसल पीछे रह गए, पूर्व रेल मंत्री हार गए हैं। अंबाला में फिर से आपको दिखाते हैं क्या कुछ जनादेश रहा है, रतनलाल कटारिया फिर से जीते और शैलजा हारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा हारे, जीते रमेश कौशिक। सोनीपत का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, कहां कौन से जीता कौन।